शंकर देशिक मे शरण तव शंकर देशिक मे शरण तव शंकर देशिक मे शरण तव शंकर देशिक मे शरण विदिताखिल शास्त्र सुधा जलते महितोपनिषद्कथितार्थनि ते हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं 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 सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। सुखं मे भूयात् दुःखं मा भूत् कदाचन इति इच्छेत् सर्वसामान्ये ते ज्ञानादेव सिद्ध्यतः। इस पृथ्वी तल पर जो कोई जन्म लेता है वह सचेत जीव की केवल दो ही इच्छा होती है। ये दो इच्छा में एक इच्छा है सुखम में भूया दुखम मा भूत कदाचन, मुझे सुखी होना है और मुझे दुख कभी नहीं होना चाहिए। तो मुझे हमेशा सुख ही चाहिए और दुख नहीं चाहिए। तो इसका मतलब होता है हर जीव ये दो इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना पूरा जीवन बिताता है। सुखम में भूयात लेट मे आई बी हैप्पी, मुझे सुखी होना है। अभी सुख के ही लिए हर जीव हो मनुष्य हो देवता हो या कोई पशु पक्षी हो रात दिन इसी में लगा हुआ है। जो भी जीवन में करता है जो भी वह नहीं करता है ये सब कुछ केवल ये प्रथम इच्छा पूरा करने के लिए सुखम में भूया। तो जो चीज़ हमें सुख देती है वही चीज़ हम करना चाहते हैं। और दूसरी इच्छा है कि दुखम मा भूत कदाचन, हम हमेशा के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि दुख हमें कैसे दूर रखना है। तो दुख से दूर रहना और सुख की प्राप्ति करना यही पूरे जीवन का लक्ष्य है। अब ये करते समय हम सुख की प्राप्ति के लिए सामान्यतया हर जीव प्रयत्न जो कर रहा है इस प्रयत्न में ही कहीं तो गड़बड़ होती। सुख तो मिलता है लेकिन वह सुख भी दो प्रकार का है, एक का नाम है विषय सुख और एक का नाम है आत्म सुख। अभी विषय सुख जो है पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अथवा दशे इंद्रियों के द्वारा हम इस जगत का संपर्क रखते हुए जगत के साथ संबंध रखते हुए हम वह सुख भोगना चाहते हैं। और सभी प्राणियों का यह सामान्य प्रवृत्ति है, परां जिघाणे व्यतरण स्वयंभो तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन। तो सृष्टि का नियम है, परमात्मा ने जब सृष्टि निर्माण की है तो यह हमारे इंद्रियों बाह्य विषयों ग्रहण करने के लिए ही किए और इसीलिए उनका स्वाभाविक नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि हम बाह्य विषयों का ग्रहण करें। जब आँख खुलती है तब बाह्य रूप को देखना चाहते हैं, रूप में भी अच्छा रूप देखने से सुख होता है ऐसा हमारा एक कल्पना है भ्रम है। तो हमारे आँख हमेशा अच्छा रूप की तलाश में रहते हैं और कोई रूप दिखाई देता है तो आदमी देखते रहता है क्योंकि उसको उसमें सुख मिलता है सुकून मिलता है। ऐसे ही कान कोई अच्छी चीज़ सुनने का हमेशा प्रयास करते हैं तो उसको सुनने से जो अच्छा लगता है, तो किसी को संगीत अच्छा लगता है तो किसी को अपनी स्तुति करना अच्छा लगता है तो किसी को किसी के बारे में अच्छी बात सुनने का भी होता है। किसी किसी दुष्टों को
निंदा सुनने में भी सुख आता है। कोई किसी की निंदा करता है और वो बुरी चीज़, वो अपने अपने संस्कार के ऊपर होता है कि किसी की बुराई में भी हमें सुख मिलता है, ये एक तामसिक एक सुख होता है। लेकिन सात्विक सुख होता है कि भगवान के बारे में चरित्र हम सुने, कथा सुने, या कोई अच्छा भजन सुनते हैं, संगीत का जिसको ज्ञान है वह अच्छा संगीत भजन सुनते हैं तो उसमें सुख ढूंढते हैं, मतलब उससे सुख होता है, हमें एक प्रकार का अनुभूति होती है। ऐसे ही हम नाक से सुगंध लेना चाहते हैं, कोई दुर्गंध नहीं, तो इसलिए दुर्गंध से दुख होता है तो अवॉइड करते हैं, सुगंध से सुख होता है तो हम वो सुख लेना चाहते हैं। और उसी प्रकार से भी खाने का अच्छा षड्रस में जो भी रस हमें अच्छा लगता है तो हमेशा वही मिले, इसका हमारा प्रयास रहता है। और जो हमें अच्छा नहीं लगता है उससे हम दूर रहना चाहते हैं। किसी को करेला खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आजकल डायबिटीज़ के कारण बीच बीच में खाना चाहिए और खाना भी पड़ता है डॉक्टर बोलने से, लेकिन उसमें उसको सुख नहीं आता है। वो दवाई समझ के भले खाता होगा लेकिन वह सुख नहीं मिलता है। तो सुख की जो चीज़ें किसी किसी डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को तो जब शुगर बढ़ जाती है, वो रोग उसको हावी हुआ है, फिर भी अपनी जो इच्छा है कि मधुरता में वो मिठाई में सुख मिलता है, तो भले डायबिटीज से उसको भूल करके या अपने मन को मार करके भी वह स्वीट मधुर खाता है, वह मिठाई खा लेता है। इसका मतलब वो विषय में उसको सुख मिलता है और इसलिए वो सभी प्रकार के रिस्क लेकर के भी वह सुख भोगना चाहता है। यह सामान्य प्रवृत्ति है, यह हर जीव की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। इस प्रकार इस प्रवृत्ति से वह व्यक्ति हमेशा बाह्य सुख में ही लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यद्यपि हमें सुख चाहिए, लेकिन वो कौन सा सुख हमें प्राप्त करना चाहिए जिससे कि हम कायम स्वरूपी सुखी हो सकते हैं, यहीं पर सबकी गड़बड़ होती है। तो सामान्य जीव का जीना और एक साधक बनकर के असामान्य जीवन जीना जिससे कि हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं, यह रियलाइज होना, ये इसको समझ में आना, यह परिवर्तन जब होता है तभी उसको साधक कहा जाता है। साधक को साधकता का अनुभूति कब होती है कि जब इसको फर्क लगने लगता है, विचार शुरू हो जाता है कि मुझे तो सुख चाहिए लेकिन मैं इस इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोग रहा हूँ यह सुख तो क्षणिक है, और मेरी आस मेरी इच्छा क्या है तो मुझे नित्य सुख मिलना चाहिए। इस सब की अपनी विवेक के द्वारा समझ आ जाती है। तो इस समझ को ही शास्त्र में कहा है साधन चतुष्टय संपन्नता। साधन चतुष्टय का मतलब होता है चार प्रकार के गुण अपने अंदर आने चाहिए। सबसे पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है समाधि षट्क संपत्ति ही, और चतुर्थ गुण है मुमुक्षुत्व। हर व्यक्ति को सबसे पहले का गुण होना चाहिए विवेक। विवेक का मतलब होता है सदसद विवेक, क्या सत है क्या असत है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसका फर्क समझ में आना बहुत जरूरी है। ये जब तक समझ में नहीं आता है तब तक वो इच्छा पूर्ति के पीछे तो पड़ता है लेकिन उसको कभी यश नहीं मिलता, कभी सक्सेस नहीं मिलते, वो कायम स्वरूपी ढूंढने में ही लगे रहता है। और इतना ही नहीं, कभी किसी बाय चांस उसको संगति लग जाए और जैसे मदिरादि का या कोई बुरा गेम खेलने का मन होता है या वो आदत लग जाती है तो उसमें भी वह सुख ढूंढता है, वो सुख के लिए ही सब कुछ करता है, लेकिन ये विवेक नहीं होने के कारण असत के पीछे जाता है, सत के पीछे नहीं। इसलिए आदमी को विवेक होना बहुत जरूरी है। ये विवेक होने के लिए भी एक तो पूर्व पुण्य ही चाहिए, हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो
तो आदमी को सत्संगति की तरफ आदमी जाता है और बहुत पाप होता है या सामान्य पुण्य होती है तो हम विषयों के पीछे जाते हैं। तो हम तो यही समझ लेते हैं कि जो कोई इस अध्यात्म मार्ग में आता है वो तो पुण्यवान होता है। जैसे मराठी में कहा जाता है, बहुता सुकृता चीजोड़ी मनोनी विठली आवड़ी। जब हमारा सुकृत हमारे लिए उपयोग में आता है, पूर्व जन्म में कहीं हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो उस कर्म का परिणाम जो पुण्य ही है, उस पुण्य के आधार पर हमें अच्छा मार्ग मिलता है, सत्संगति मिलती है, बुद्धि में सदसद विवेक होता है। तो वो सदसद विवेक होना बहुत जरूरी है और जिसको यह सदसद विवेक हो जाता है वो विवेकी कहलाता है और विवेकी होना ही साधक का प्रथम सोपान, प्रथम स्टेप, प्रथम यह हमारा प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले विवेक को प्राप्त करें। साधन चतुष्टय संपत्ति में शंकराचार्य जी प्रथम स्थान पर विवेक को रखते हैं। विवेक का मतलब बुद्धि, बुद्धि में सत असत्य, क्या सही क्या गलत, क्या नित्य क्या अनित्य, इसका चिंतन होना, इसका विवेक होना, इसको समझ में आना, ये बहुत जरूरी है। तो हम मान लेते हैं कि हमें अभी सद असद विवेक हो जाता है। तो सद असद विवेक में क्या होता है, यह नित्य है यह अनित्य है, यह क्षणिक है यह कायम स्वरूपी रहने वाली चीज है। तो इन दोनों में विवेक होने के बाद हमें ये भी पता चलेगा कि ये विषयों से जो सुख मिलता है वह तो अनित्य है। हम बार बार सुखी तो होना चाहते हैं लेकिन जो कुछ करते हैं वह क्षणिक होता है और ये क्षणिक क्या होता है, इट डजंट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक वह हमें सुख नहीं देता है। और इसलिए हम एक विषय को छोड़ करके उस विषयों के बारे में हमें उपरति हो जाती है और फिर अन्य विषयों के पीछे पड़ते हैं। और इसी का मतलब होता है वह विषय हमें सुख देता तो है लेकिन वह कायम स्वरूपी नित्य सुख नहीं देता, वह अनित्य सुख है। तो फिर जब ये समझ में आ जाता है कि यह अनित्य है और फिर चाहत तो नित्य सुख की है, तो फिर ये नित्य सुख कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके आदमी को और जिज्ञासा होती जाती है और फिर वह ढूंढने लगता है कि मुझे ये सुख कहाँ मिलेगा। और ये चाहत ही आदमी को गुरु के पास लेके जाती है क्योंकि स्वयं के अनुभव में तो यह जगत का जो सुख उपलब्ध था, विषयों का सुख जो आदमी को अनुभव में आता है उपलब्ध होता है, लेकिन वो भोगते भोगते तो ये तो पता चल जाता है कि यह नित्य नहीं है और हमें जो चाहिए वह नित्य चाहिए। तो जगत विषयों का जो सुख है वह अनित्य है, यह जब पक्का होता है तब आदमी नित्य सुख की चाहत में, नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और उस प्रयास में आदमी इतना व्यग्र हो जाता है जो कोई सामने उसको मिल जाता है, शास्त्र हो, गुरु हो, सत्संग हो, तो वहाँ जाकर के उसका यही प्रश्न होता है क्या नित्य सुख है भी, और यदि है तो वो कैसा मिल सकता है। वो नित्य सुख को ही कभी कभी लोग परमात्मा भी बोल देते हैं और इसलिए वो सोचते हैं क्या परमात्मा है, और यदि परमात्मा है तो कहाँ है, कौन है, कैसा है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक संकेत मिल जाता है। हम लोग सोचते हैं, यदि हमें समझ में नहीं आता है फिर भी सोचना शुरू करते हैं कि हमें जो कुछ चाहिए वो नित्य चाहिए, और जब कोई भी मिल जाता है तो हम उसको प्रश्न पूछते हैं। तो अर्जुन को भी ऐसे लगा कि यह हम जो कुछ युद्ध कर रहे हैं, अभी ये युद्ध तो कर रहे हैं, हम तो राज्य भी प्राप्त करेंगे युद्ध करके, लेकिन क्या इस राज्य को प्राप्त करने के बाद भी हम सचमुच सुखी हो जाएंगे, अर्जुन को बड़ा प्रश्न आया था। और इसलिए कहते हैं सुखी होने के लिए राज्य भी चाहिए, हमारे सभी सगे संबंधी लोग भी चाहिए, भाई भाई इत्यादि भी होने चाहिए, क्योंकि जो भी सुख मिलता है तो ये सबके साथ बैठ करके
हम वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं। केवल अकेला में आनंद नहीं आता है, अकेला भोग करने से भी आनंद नहीं आता है। अकेला कोई भी चीज़ आदमी आनंद भोग करके अनुभव करके आनंदित नहीं होता है। हमें कुछ भी यदि प्राप्त होता है ना, तो हम शेयर करना चाहते, दूसरों के साथ बांटना चाहते, दूसरों से अपेक्षा भी रखते हैं कि वह अप्रिसिएट करे, वो हमारा जो कुछ हमने प्राप्त किया है उसके बारे में वह स्वीकार करे और हमें उसके बारे में स्तुति करे हमारी। तो जैसे हम कोई नया घर लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग आए और हमारा घर देखे, पूछे हमें कि आपने बहुत सुंदर बनाया, कैसे बनाया, काफ़ी कष्ट उठाया होगा, तो ये सब सुनने में हमें सुख मिलता है। इसका मतलब जो सुख मिलता है वह केवल एकांत में नहीं, केवल अकेले में नहीं, तो जो कुछ सुख मिलता है उसको शेयर करने के लिए कोई चाहिए। तो अर्जुन को भी लगा कि हम राज्य तो प्राप्त करेंगे, लेकिन राज्य प्राप्त करते करते हमारे ही सगे संबंधी ही मारे जाएंगे युद्ध में, तो हम उस सुख को किसके साथ उपभोग कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो इसका मतलब अब मेरे को प्रश्न आने लगता है, यदि सुख है तो वो सुख भी कैसा है, वो कहाँ मिलता है, तो प्रश्न पूछते हैं। ये प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते आदमी किसी सज्जन के पास पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट हमारा गुरु कौन होता है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, हमारे मन का समाधान करा सकता है, उसी को हम अपना गुरु मानते हैं। तो विवेक होने के बाद आदमी को विवेक और वैराग्य साथ साथ होता है। अनित्य के प्रति अनासक्त होना और नित्य के प्रति आसक्ति निर्माण होना, इसी को विवेक और वैराग्य कहा जाता है। तो अनित्य के प्रति अनासक्ति और नित्य के प्रति आसक्ति निर्माण हो गई कि विवेक वैराग्य हो जाता है, और वह विवेकी जो कोई मिलेगा उससे यह प्रश्न पूछते हुए देखता है कि क्या मुझे नित्य सुख का मार्ग, जिसी को कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा प्राप्ति का मार्ग कोई बता सकता है क्या, और जो कोई मिलेगा उसको वह पूछते रहते हैं, जो कोई उसके पूरे प्रश्नों का, उसकी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं, वही हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शक गुरु होते हैं। और जब गुरु मिल जाते हैं तो गुरु के प्रति जैसे जैसे सत्संग करेंगे वैसे वैसे गुरु के बारे में हमें विश्वास निर्माण होता है, क्योंकि हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, सामने के व्यक्ति कैसा जीवन जीता है वह देखने से भी हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और जब श्रद्धा सहित हम उस गुरु के पास बैठ करके श्रवण करने लगते हैं, तो गुरु जो जानकार होते हैं, समझदार होते हैं, वह अपने शिष्य को बोलते हैं, यस नित्य सुख तो है, लेकिन उस नित्य सुख का ही दूसरा नाम परमात्मा भी है। तो उस परमात्मा, उस नित्य सुख को प्राप्त करना है तो आपको तीन चीजें करनी पड़ेंगी। वो तीन चीजें कौन है, तो वो कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः। यदि आपको आत्मा परमात्मा नित्य वस्तु को देखना है, जानना है, समझना है, तो आपको क्या करना होगा, तो ये अगले तीन साधन करने होंगे, श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। आपको श्रवण करना होगा, श्रवण के बाद मनन करना होगा, और उसके बाद निदिध्यासन करना होगा। यह अपने शास्त्र परंपरा है, गुरु परंपरा से यह हम सीखते हैं। ये सीखना केवल एक गुरु का आदेश नहीं, तो गुरु स्वयं शास्त्रमय होता है। शास्त्र का मतलब होता है उपनिषद है, भगवद गीता है, ब्रह्म सूत्र इत्यादि, जिसके ऊपर आदि शंकराचार्य जी ने जो महाभाष्य लिखा है उसका अर्थ बताने का हमें बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो उस प्रस्थान त्रयी शास्त्र का जो श्रवण करता है उसी की जिज्ञासा पूरी होती है। जिसको ये जानना था कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है, अनित्य के प्रति वैराग्य होने के बाद
हमें नित्य की प्राप्ति कैसी हो सकती है, उस नित्य तत्व को प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के सानिध्य में रहते हुए गुरुमुख से प्रस्थानत्रय शास्त्र का उपदेश समझना होगा, सुनना होगा। आत्मा वा अरे श्रोतव्यः, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में हमें श्रवण करना होगा। क्या यह नित्य सुख या परमात्मा केवल श्रवण करने से मिल जाएगा? तो शास्त्र कहता है बिल्कुल आपने सही सुना कि शास्त्र श्रवण से ही नित्य तत्व क्या है समझ में आता है। अभी पहले ये याद रखो, जो कोई नित्य होता है, भले वह सुख हो, भले वह परमात्मा आप शब्द से उसको जानते हो या और किसी शब्द के द्वारा उस तत्व को हम बताना चाहते हो, समझना चाहते हैं, लेकिन यदि वह नित्य है, यदि वह सत्य है, तो ये नित्य सत्य को निर्माण नहीं किया जा सकता है। नित्य सत्य यह कभी कहीं से आता नहीं, कहीं से निर्माण किया जाता नहीं, और वह नित्य होने के कारण वो कहीं जाता नहीं। तो नित्य सुखी बोलो या नित्य को आप परमात्मा बोलो, सत्य बोलो, जो बोलना चाहते हो, लेकिन उसके बारे में यह याद रखना बहुत जरूरी है, इतना समझना बहुत जरूरी है कि नित्य कहीं से आता नहीं, मतलब इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इसके कोई उत्पत्ति नहीं होती, उसका नाश नहीं होता है, उसी को तो नित्य कहते हैं। इसलिए नित्य की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, तो त्रिकालाबाधितम सत्यम, जो सत्य होता है, जो नित्य होता है, वो तीनों कालों में जिसका बाध नहीं होता, इसका मतलब तीनों कालों में जिसकी स्थिति रहती है, उपलब्धि रहती है, वो हमेशा के लिए होता है, उसी का नाम नित्य है। तो हम जो नित्य सुख ढूंढ रहे थे, वो नित्य सुख शास्त्र कहता है न केवल है, क्योंकि उसके बिना ये जगत, ये अनित्य जगत की वस्तुओं की, विषयों की अनुभूति ही नहीं हो सकती है। हर अनित्य के पीछे, हर परिवर्तनशील वस्तु के पीछे एक नित्य तत्व होता है, और वह नित्य तत्व हमेशा होता है, इसीलिए तो यह अनित्य की अनुभूति होती है। ये विवेक हो जाए, थोड़ा समझ में आ जाए, शास्त्र कहता है कि बिल्कुल ये साधक अपने सही जगह पर आप आए हो, अभी आप उस नित्य तत्व को समझने के लिए ये तीन साधना करनी है। ये तीन साधना का मतलब होता है श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण से क्या होता है, ये आदमी को जो नित्य वस्तु है या नहीं ये आशंका थी, ये नित्य सुख है या नहीं यह जो जिज्ञासा थी, इस जिज्ञासा की पूर्ति होती है श्रवण से। तो श्रवणेन अज्ञान नाशः, तो जब हम श्रवण करते हैं तो श्रवण के द्वारा नित्य वस्तु का अज्ञान नष्ट होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है नित्य वस्तु है, और वो नित्य वस्तु को प्रेजेंट करने के लिए शास्त्र अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं का माध्यम लेते हैं। तो एक प्रक्रिया है सृष्टि प्रक्रिया। तो जैसे उपनिषद में तैत्तरीय उपनिषद है, और तैत्तरीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली में आरंभ में ही कहते हैं, तो आरंभ में क्या कहते हैं, तो ब्रह्मविदा आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे यो मन सो ओष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। यहाँ तक आप ले सकते हैं, और इसमें बहुत सुंदर बताया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अभी समझ लेना, परमात्मा बोलो, नित्य सुख बोलो, मोक्ष बोलो, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं साधक, इन सब का अर्थ एक ही है कि वह सत्य है, उसको परमात्मा बोलो, उसको ब्रह्म बोलो। अभी यहाँ तैतरीय में उसको ब्रह्म कहा है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ये प्रॉमिस करते हैं, ये प्रतिज्ञा वाक्य जैसे, जिसको मोक्ष चाहिए, नित्य सुख चाहिए या परमात्मा
शब्द से प्रयोग करो तो कहते हैं कि यह ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ब्रह्मविद ब्रह्म को जानने वाला, परम आपनोति मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर वो परम शब्द का अर्थ परमात्मा ले लो, मोक्ष ले लो, या सामान्य जीव की उनकी इच्छा के अनुसार नित्य सुख बोलो, तो नित्य सुख मतलब मोक्ष, नित्य सुख मतलब परमात्मा, नित्य का मतलब ब्रह्म। और उस ब्रह्म को प्राप्त करना है तो कौन प्राप्त करता है? तो कहते हैं ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो इसका मतलब होता है ज्ञान ही उस तत्व को हमें प्राप्त कराता है, क्योंकि जो नित्य है उसको तो निर्माण करना नहीं है, जो नित्य है उसको तो कोई परिवर्तन करना नहीं, क्योंकि होता ही नहीं उसमें परिवर्तन। यदि नित्य सुख नाम की कोई चीज है तो वो तो हमेशा के लिए होनी ही चाहिए। और जब नित्य सुख है, नित्य परमात्मा है, तो इसका मतलब वह नित्य है, उसको निर्माण करने का नहीं है, उत्पन्न करने का नहीं है। तो उसको केवल क्या करना है? तो नित्यम चेत ज्ञातव्यम। यदि वह है और नित्य है तो उसको केवल हमको जानना ही होगा, क्योंकि नित्य होते हुए भी यदि हमें प्राप्त नहीं है तो उसका कारण यही है कि हम उसके बारे में जानते नहीं है। नहीं जानना ही अज्ञान है। तो अज्ञान के कारण वह नित्य वस्तु आज अप्राप्त जैसी हो चुकी है। तो इसलिए नित्य वस्तु अज्ञान के कारण आवृत्त होने हुई है, और उस अज्ञान को निवारण करने के लिए अपने पास एक ही माध्यम है, और वह माध्यम है ज्ञान। ज्ञानेन अज्ञान निवृत्ति ही भवति। ये सबका अनुभव है। हमें 2+1+1 या 2+2 ये ज्ञान नहीं था, तो इसको भी हम स्कूल में जा करके गुरु के पास बैठ करके जैसे उन्होंने बताया उसके अनुसार हमने समझने का प्रयास किया तो आज उसका भी ज्ञान हुआ। तो ज्ञान हुआ का मतलब अज्ञान निवृत्त होता है, और फिर वह जो सत्य वस्तु है वह अपने आप समझ में आती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मविद आपनोति परम, वह परम तत्व उसी को प्राप्त होता है जो ब्रह्म जानता है। तो दूसरे शब्द में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ब्रह्म जानने वाला परम तत्व को प्राप्त करता है। परम तत्व क्या है? ब्रह्म ही है। क्या है ब्रह्म? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो अनंत है, वही ब्रह्म है। अनंतम सत्यम अनंतम ब्रह्म। अनंतम सत्यम अनंतम ज्ञानम इज कॉल्ड ब्रह्म। तो ब्रह्म किसको कहते हैं? जो अनंत सत्य है। अनंत सत्य का मतलब होता है सत्य अनेक प्रकार का होता है। जैसे कहा जाता है पारमार्थिक सत्य, व्यावहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य का मतलब होता है कोई भी काल्पनिक वस्तु, आरोपित वस्तु, जैसे रज्जु सर्प है, तो ये भी कुछ काल के लिए सर्प की अनुभूति होती है या मृगजल की अनुभूति होती है, लेकिन वो प्रातिभाषिक है, केवल भासमान है, वो अधिष्ठान का ज्ञान होते ही वह नष्ट होता है। तो सत्य तो लग रहा था लेकिन बहुत क्षणिक समय के लिए, उसको प्रातिभाषिक सत्य कहते हैं। दूसरा सत्य है व्यावहारिक सत्य, जैसे कि ये जगत है, तो ये जगत की उत्पत्ति हुई है, ये जगत व्यवहार के लिए उपलब्ध है, सालों तक यह दुनिया के साथ हम व्यवहार कर सकते हैं। तो ये व्यवहार में जो कोई चीज हम लोग देखते हैं, करते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो ये सब सत्य है, लेकिन ये व्यवहार के लिए मात्र है। जब तक मतलब कुछ काल तक इसको हम लोग व्यवहार में लाते हैं, लेकिन ये पता है कि षड्भाव विकार से युक्त है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, कालांतर में इसका नाश होता है। तो यह व्यवहार के लिए उपलब्ध है, कल की चीज आज के लिए भी है, लेकिन यह हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। इसलिए यह कुछ समय के लिए तो उपलब्ध है, हम लोग उसको व्यावहारिक सत्य बोलते हैं। व्यवहार करने के लिए उपलब्ध है, लेकिन इसको नित्य नहीं कहा जा सकता है। ये काला
काल से युक्त है, ये काल से ही काल में उत्पन्न हुआ है, समय में ही उत्पन्न हुआ है, कुछ समय तक रहता है और ये समय काल में ही नष्ट होने वाला है। तो ये व्यावहारिक, ये जगत की सत्ता जो कहा कही जाती है वो व्यावहारिक सत्ता है। तो ये हो गई प्रातिभाषिक मृग जल के जैसे, ये दुनिया की जो सत्ता है मतलब इसकी सत्यता है वो केवल व्यावहारिक सत्यता है, कुछ समय के लिए यह नित्य है लेकिन इसका भी अंत होता है, तो यह अनित्य है। और फिर इससे अलग एक पारमार्थिक सत्य है कि जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, जिसका कभी नाश नहीं होता है, उसी को कहते हैं अनंतम सत्यम। अनंत का मतलब होता है जिस सत्य को देश काल वस्तु का संबंध नहीं होता है, मतलब इट इज नॉट लिमिटेड बाय देश काल वस्तु, ये देश काल के द्वारा जिस वस्तु को सीमित नहीं किया जा सकता है उसको कहते हैं अनंतम सत्यम कालातीत। कालातीत का मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो वस्तु रहती है उसको कहते हैं त्रिकाला अबाधितम, त्रिकाल अबाधितम। वैसे ही जो हर जगह पर रहता है तो उसको कहते हैं सर्वव्यापी। तो सर्वत्र का देश में जिसको सीमित नहीं रख सकते हैं, जो सीमित नहीं होता है उसको कहते हैं वह सर्वत्र उपलब्ध रहना। तो सभी काल में सभी देश में वैसे सभी वस्तु के रूप में सत्य तो हो केवल एक रूप में नहीं रहता है, तो हर वस्तु जो है दुनिया की उसमें वह सत्य ऐसे अधिष्ठान उसका आधार के रूप में सभी। तो इसलिए हम लोग भगवान के अनेक रूप मानते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं क्योंकि हर रूप में वह एक ही सत्य होता है, इसलिए एक रूप उसको सीमित नहीं कर सकता है। उसको कहते हैं वस्तु परिच्छेद रहितम, नाम रूप वाले वस्तु के द्वारा उसको परिच्छिन्न या सीमित नहीं किया जा सकता है। तो परमात्मा या परम तत्व जो त्रिकालाबाधित है, सर्वदेश में उपलब्ध है और सभी वस्तु के रूप में है, इसलिए उसको कहते अनंतम सत्यम, अनंतम ज्ञानम। ज्ञानम का मतलब चैतन्यम। तो जिस परम तत्व परमात्मा का लक्षण है जो नित्य सत्य है और नित्य चैतन्य स्वरूप है, और ये सत्य और चैतन्य दो नहीं होते हुए वो एक के ही ये दो लक्षण बताए जाते हैं, क्योंकि सत्ता मतलब अस्तित्व और चैतन्य मतलब चेतना, जो संवेदना है उसका स्वरूप है। तो सच्चित मिलकर के हम लोग कहते हैं वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, दूसरे शब्द में उसी को हम सच्चिदानंद तत्व कहते। तो यही नित्य तत्व है कि जो हर साधक ढूंढ रहा है, और वो कैसे हमें समझ में आएगा, शास्त्र के श्रवण द्वारा। तो हमारा श्रवण के द्वारा ब्रह्म या नित्य वस्तु नित्य तत्व के बारे में अज्ञान नष्ट होता है। तो शास्त्र श्रवण से समझ में तो आता है कि वह नित्य सत्य नित्य ब्रह्म नित्य आत्म तत्व है, और इतना ही नहीं वह तो आपका हमारा स्वरूप भी है। तत्वमसि महावाक्य द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्यों द्वारा वही तत्व आपका स्वरूप है, हमारा स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, वह सर्वव्यापी होने के कारण सभी के रूप में वही तत्व है। ईश्वर सर्वभूताना हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भगवान बहुत सरल शब्द में कहते हैं कि वह सत्य जिसको ईश्वर कहते हैं परमात्मा कहते हैं वह सबके अंदर है, सबके हृदय में है, इसका मतलब सबके रूप में परमात्मा है। ओके, यह श्रवण के द्वारा समझ में आता है। जब इस श्रवण के द्वारा परतत्व का अज्ञान नष्ट हुआ तो अभी बहुत सारे लोग को क्या होता है, विश्वास नहीं होता कि शास्त्र तो कहता है, शास्त्र तो सुना है, शास्त्र तो सुस्पष्ट बताता है कि आप तत्वमसि, आप ही ब्रह्म स्वरूप हो, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म स्वरूप है। तो ये करते समय या सुनने के बाद ये ज्ञान तो होता है कि वो ब्रह्म वह सत्य वो केवल वैकुंठ या कैलाश में नहीं है, वो कोई
और हमसे दूर नहीं, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, सर्व रूप में है, सर्वदा उपलब्ध है। तो इसका मतलब वो हमसे दूर हो नहीं सकता है। तो वो ब्रह्म, वो परमात्मा आप में भी है, हमारे में भी है। अभी ये हमारे ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं ना, तो जो पुराना संस्कार है वो इतना जल्दी जाता नहीं, तो बीच बीच में संशय आते रहते हैं। सुनने के बाद भी कुछ संशय आते हैं, हाउ कैन आई बी दैट नित्यम ब्रह्म। वो नित्य का मतलब वो जो हम ढूंढ रहे थे नित्य सुख, तो वो नित्य सुख आपका स्वरूप ही है। बोलने के बाद आदमी को जब सुनने के बाद इसकी अनुभूति करते हैं तो बौद्धिक दृष्टि हमें ये तो समझ में आया। अभी हमारा उस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम हमको प्रॉब्लम भी होती है कि वो नित्य सुख, नित्य परमात्मा मैं ही हूँ करके वो अनुभूति में कोई संशय आते हैं। तो यहाँ वो हमारा कहीं ना कहीं मनन करना कम पड़ता है, और इसलिए हमने अगली साधना करनी है, वो मनन होता है। युक्तितः श्रुतस्य पुनः चिंतनम्। हमने जो कुछ शास्त्र से, गुरु से सुना है, और वो ब्रह्म हमारा स्वरूप है, आपका स्वरूप है, सबका स्वरूप है, तो वह नित्य तत्व हमें यदि दृढ़ होना है तो मनन करना है। और ये मनन में जितने प्रकार के संशय आते हैं, अभी इसके लिए हमें बार बार गुरु के पास, शास्त्र के पास भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दीर्घ काल तक यदि श्रवण किया है, शास्त्रों का अच्छी तरह से हमने चिंतन किया है, तो उसके बाद हमें तो ज्ञान तो पूरा प्राप्त हुआ है, प्रमाण सहित हमें वो याद रहना भी चाहिए। इसलिए ये सब कंठस्थ होने चाहिए, सब शास्त्र, भगवद गीता हो, कंठस्थ हो, सभी उपनिषदों के मंत्र जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कंठस्थ कर सकते उतना स्वाभाविक हो ही जाते हैं दीर्घ काल तक श्रवण करने से। ऐसे उसके साथ साथ जो हमें शास्त्र युक्तिवाद देता है, लॉजिक बताता है, उसको भी हमने समझ करके अभी जब जीवन जीते हैं तो उस समय पर जो जो संशय आते हैं उन सभी संशयों का हमें स्वयं ही निराकरण करना चाहिए। तो वो निराकरण करते समय हमें युक्तिवाद का, अनुभव का आधार लेना, जिसके द्वारा हम अपने सभी संशयों का निराकरण करते हैं। तो इसका मतलब होता है मनन के द्वारा सब प्रकार के संशय निवृत्ति होती है। और जब यह हमारा आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, श्रवण और मनन के द्वारा संशय रहित पक्का ज्ञान होता है, तो अगली साधना होती है निधिध्यासन। वो निधिध्यासन में ही हमें अभी प्राप्त किया हुआ ज्ञान को जीवन जीने का प्रयास हम करना है। इन द लाइट ऑफ दैट नॉलेज आई शुड लीड माई लाइफ। जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है शास्त्र से, उसके अनुसार यह जीवन जीने का प्रयास करना ही हमारा अभी निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन को बहुत सारे लोग ध्यान भी बोलते हैं, निधिध्यासन तो वो ध्यास कहते हैं। अभी यह निधिध्यासन केवल एक जगह पर कुछ समय के लिए बैठ करके ध्यान करना, इतना ही निधिध्यासन नहीं। आप ध्यान भी कर सकते हैं, ध्यान करना बहुत अच्छी बात है। जो भी हम लोगों ने सुना है उसको मन में बिठा करके हम लोग उसको आत्मसात करना है, लेकिन ये आत्मसात केवल एक गुफा में बैठ करके या कहीं जंगल में बैठ करके या एकांत में बैठ कर ही नहीं, वो भी करना है। लेकिन जब सामान्य जीवन जीते हैं उस समय पर जो यह श्रवण किया हुआ ज्ञान, जो संशय निवृत्त किया हुआ ज्ञान, मतलब डाउटलेस नॉलेज शुड बी ऑलवेज देयर विथ मी, फ्रेश इन माई माइंड, वो हमेशा के लिए हमारे बुद्धि में प्रज्वलित दीप के जैसे रहना चाहिए। इन दैट लाइट ऑफ दैट नॉलेज, वो ज्ञान के प्रकाश में हम अपना जीवन जीना निधिध्यासन कहलाता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्टम्पलेशन। द कॉन्टम्पलेशन इज नॉट सिटिंग इन वन कॉर्नर ऑफ द प्लेस एंड थिंकिंग दैट अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन, देर इज नो डाउट, बिकॉज शास्त्र हैज ऑलरेडी सेट सो नाइसली, गिवन इनफ लॉजिक।
हमें इतना सब कुछ युक्तिवाद दे करके हमें तो समझाया है कि हम ब्रह्म है, अभी हमारे अंदर कोई संशय भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जब वो ज्ञान प्राप्त किया है तो हमेशा जब व्यवहार करते हैं, सब प्रकार का जीवन जीते हम लोग, तो हर आदमी सन्यासी होना चाहिए ऐसा नहीं, हर आदमी गृहस्थ ही होना चाहिए ऐसा नहीं, जो भी जहाँ है। लेकिन ज्ञान होने के बाद जो कुछ हम लोग व्यवहार करते जिंदगी है, जीवन मुक्ति का आनंद लेते समय अपना सब कर्तव्य भी हम लोग करते रहते, भले वह कर्तव्य बोलो या लोक संग्रह बोलो, लेकिन यह हमारा जीवन तो जीना है। और जीते समय यह ज्ञान हमेशा शुड बिकम द गाइडिंग फैक्टर। और वो गाइडिंग फैक्टर का मतलब ही होता है कि जब वो ब्रह्म मैं हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हो, आनंद स्वरूप अपना आत्मा है, तो फिर वह कहलाता है। कुछ ऐसे श्लोक है, कुछ ग्रंथ है, तो शंकराचार्य जी का एक ब्रह्म ज्ञानावली माला जो ग्रंथ है, बहुत सुंदर श्लोक दिए हैं, उसी को हम लोग निधि ध्यासन के रूप में चिंतन करना और उसको याद रख करके। तो कहते हैं, सकृत श्रवण मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम यतो भवेत। कहते कि एक बार शास्त्र का श्रवण हो जाए तो वो एक बार श्रवण करने से होता है, उत्तम अधिकारी को बस एक बार अच्छी तरह से तन मन धन लगा करके जब श्रवण करते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के करते हैं, समाधि षटक संपत्ति के सहित जब हम लोग श्रवण करते हैं पूरी जिज्ञासा के साथ, तो ब्रह्म ज्ञानम यतो भवेत, डेफिनेटली उसको ब्रह्म ज्ञान होता ही है। और ब्रह्म ज्ञानावली माला सर्वेशा मोक्ष सिद्धये। तो फिर अभी ये जो कुछ 21-22 श्लोक का यह छोटा सा ग्रंथ है, और उसमें से एक ही श्लोक याद रखने से भी सभी श्लोकों का उसमें सार आ जाता है। और वो श्लोक है, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः। बस यही रिपीट होता है आगे चल करके, अलग अलग प्रकार के शब्द लेकर के हमें आचार्य यह समझाते हैं कि हमारा स्वरूप असंग कैसा है। तो आत्मा का स्वरूप ही असंगो ही अयम पुरुषः, उपनिषद तो कहते हैं कि पुरुषः आत्मा असंगः, अयम आत्मा असंगः, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। सदसद विवेक करते करते, अवस्था त्रय विवेक करते हुए, पंचकोश विवेक करते करते हमें यह तो समझ में आता है, यह स्थूल शरीर, यह सूक्ष्म शरीर, यह कारण शरीर मैं नहीं हूँ, यह विश्व तेजस प्राज्ञा मैं नहीं हूँ, यह अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश अहम आत्मा नहीं है। तो आत्मा इनसे सबसे अलग है, इसलिए वह कैसा है, तो असंगः अहम। तो ये हमेशा के लिए याद रखना है, हमेशा यही चिंतन मन में होना है, सब प्रकार के व्यवहार करो लेकिन नेवर फॉरगेट द नेचर ऑफ वन सेल्फ द आत्मा। असंगोहम 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 पुनः 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 पुनः, तीन बार किया है, क्योंकि हमें ये तीन शरीरों के साथ संग होता है, तीन अवस्थाओं के साथ संग होता है, तीन गुणों के साथ संग होता है, हर चीज़ को हमारे शास्त्र में तीन तीन भाग में विभाजित किया है। तो ये तीनों भी सत्व रजस तमस हो या जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो, इन सभी से हम लोग आत्मा को असंग है, इसको याद रखना, आत्मा इनसे अलिप्त है। और ये कैसे, असंगोहम पुनः पुनः, ये पुनः पुनः हमें ही अपने को समझाना है, याद रखना है। यदि मैं असंग हूँ तो मतलब ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं हूँ, अवस्था त्रय मैं नहीं हूँ, शरीर त्रय मैं नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन, सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहम अव्ययः, अहम सच्चित आनंद स्वरूप है। ये जब हम लोग दीर्घ काल तक ये चिंतन करते जाते हैं, सीरियसली चिंतन करते हैं, तो यह अनुभूति तो अवश्य आती है कि मैं तो सत हूँ, कभी नष्ट होने वाला नहीं था। ये शरीर आता जाता है, ये हर जन्म में आत्मा स्वरूप वही रहता है। इसका मतलब शरीर के जन्म के साथ आत्मा का जन्म नहीं, और शरीर के मृत्यु के साथ आत्मा का मृत्यु नहीं, न जायते म्रियते वा कदाचित। इसलिए सत्स्वरूप है, हमेशा रहने वाला, चित्त है क्योंकि ये जानता है,
वही संवेदना है, तो वह स्वयं सच्चित स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है, और वह सच्चिदानंद रूपो हम अहम अव्ययः, कभी भी इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए यह अव्ययः अहम निराकारः अव्ययः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः, यह आत्मा का अपना स्वरूप है। तो ये इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल आत्म स्वरूप है, इसको यह ब्रह्मा ज्ञानावली माला के द्वारा निधिध्यासन परक इसको अंत तो गत्व हमें याद रखना है। जिंदगी इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया है कि सब प्रकार के प्रॉब्लम तो रहेगा, हमारे व्यवहार में समस्या रहेगी, हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रारब्ध के अनुसार ये समस्या रहेगी, ये तो इसको हम सब सहन करना है, व्यवहार के दृष्टि से जो कुछ करना पड़ेगा कर सकते हैं, लेकिन ये शरीर में जो कुछ होता है, व्यवहार में जो कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है, उसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि वह असंग स्वरूप है। इसको यदि हम हमेशा के लिए याद रखते हैं तो सही अर्थ में हम लोग सुखी डेफिनेटली होते हैं, नित्य सुख हमें अनुभूति में आता है। तो जो हर जीव नित्य सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसको उस तभी यश आता है जब वह गुरु के पास जाता है, शास्त्रों का श्रवण करता है, मनन करता है, निधिध्यासन करता है, तो पर उसको यह अवश्य ही प्राप्त होता है। यही सभी शास्त्रों का सार है, यह हम अपने जीवन में अनुभूति किया है सद्गुरुओं के कृपा आशीर्वाद से। आप सभी यही मार्ग का अवलंबन करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। सार्थक बनने का मतलब केवल मृत्यु के बाद मोक्ष की बात नहीं चल रही, अभी इसी समय, इसी क्षण, इसी जगह पर जो कुछ करते हुए, जो कुछ उम्र में हम जो कुछ जीवन जीते हैं, ये आनंद से जी सकते हैं, यह यही हमारे गुरु परंपराओं की एक विशेषता है, वही आप सभी को प्राप्त हो, ऐसे प्रार्थना करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। विदिताखिल शास्त्र सुधा जलते महितोपनिषद् कथितार्थनिते हृदये कलये विमलं चरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर देशिक मे शरणं भव शंकर।